हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार साहू और आज आप सबका स्वागत है एक नया Q&A का सेशन में। यह है हमारा छठवां वीक। दोस्तों, आप सब लोगों का प्यार की वजह से हम पहुंच चुके हैं छठवां वीक, और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आप मेरा वीडियो को सराह रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह आप लोगों का प्यार बनाए रखें ताकि हम आगे आगे चलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा Q&A संडे बॉक्स 6। दोस्तों, आज का Q&A बॉक्स 6 शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक नया इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो है कि मैं गिव अवे कर रहा हूं। दोस्तों, लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर की यूट्यूब चैनल की तरफ से गिव अवे अनाउंस हो रहा है, जिसमें 3 प्राइजेस हैं। जो फर्स्ट प्राइज है दोस्तों, वो है आपका मालदीव्स में स्टे, यानी 2 नाइट स्टे और 3 डेज का एक पैकेज है मालदीव्स में। दूसरा जो है दोस्तों, इंडिया में गोवा के लिए एक टूर है, जिसमें एक ही पर्सन के लिए 2 नाइट और 3 डेज का पैकेज है। और तीसरा जो प्राइस है दोस्तों, वो है ट्राइपॉड। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई यूट्यूबर है जो यूट्यूब बनाता होगा, उनके ड्राइवर या फोटोग्राफर्स होगा, उसके लिए ये ट्राइपॉड है। तो ये 3 जो प्राइस है दोस्तों, इसको पाने का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो है कि आप जब भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यू मस्ट बी ए सब्सक्राइबर ऑफ लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चंस का जवाब आपको मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करके डीएम करना है, ना कि नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने गलती से भी कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दिया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो है कि आपका जो आंसर होगा, इट शुड बी एप्रोप्रिएट। अगर एप्रोप्रिएट नहीं हुआ दोस्तों, तो आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं। सो ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें पार्टिसिपेट करने का। अब बता दूं मैं, इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा दोस्तों, वो मंथ ऑफ फरवरी में होगा, फरवरी एंड में या शुरुआत दौर में उस समय होगा। क्योंकि आप अगर मार्च में जाते हैं मालदीव्स तो आपको बहुत मजा आने वाला है, या फिर आप अगर मार्च में जाते हैं गोवा तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये ट्रिप अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आपको बनना पड़ेगा इस चैनल का सब्सक्राइबर, साथ ही साथ यू मस्ट बी ए फॉलोअर इन इंस्टाग्राम पेज। मैं इस जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस 3 महीने के दौरान किसी भी वीडियो में पूछ सकता हूं। So you should not miss a single video in this 3 month. मैं किसी वीडियो में पूछ सकता हूं, और दोस्तों जब मैं जब भी क्वेश्चन पूछूंगा, उसका 10 दिन के अंदर वो जवाब आना चाहिए। 10 दिन के बाद अगर कोई जवाब देता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई है। एग्जाम्पल, मैंने जो क्वेश्चन है उसे अगर मैं जनवरी में पूछा या दिसंबर में पूछा, तो दिसंबर का ही 10 दिन के अंदर उसका जवाब मिल जाना चाहिए, ठीक है। और इसका जो लॉटरी होगा दोस्तों, वो होगा, मैं रिजल्ट जो अनाउंस करूंगा वो होगा मंथ ऑफ फरवरी एंड 2021, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा बिफोर यू पार्टिसिपेट। दोस्तों, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा Q&A बॉक्स 6। जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का मिस्टर विनोद थारू का, ये पूछते हैं, सर गल्फ कंट्रीज जाने के लिए कॉन्टिनेंटल क्यूजिन सही है या इंडियन क्यूजिन सही है, प्लीज बताइए। दोस्तों, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, किचन में काम करते हैं, और आप कॉन्टिनेंटल या इंडियन किचन में हैं, तो बता दूं मैं, गल्फ में ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। गल्फ में बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिसमें बता दूं मैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, यहाँ की बात करो तो यहाँ कॉन्टिनेंटल कुजिन का बहुत ज्यादा डिमांड है। यही अगर आप जाएंगे सऊदी अरेबिया, बहरीन या ओमान, और कहें कुवैत, तो वहां दोस्तों ज्यादा इंडियन शेफ का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहां जाना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मिस्टर प्रशांत कुमार का, इन्होंने लिखा है, सर हाउसकीपिंग में कितना टिप्स एक्सेट्रा मिलेगा मालदीव्स में। दोस्तों, मैंने मालदीव्स का बहुत सारा सैलरी के रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो कृपया सर्च कर सकते हैं मालदीव जॉब्स सैलरी लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर। अगर ये सर्च करेंगे आप, तो आपको आसानी से मेरा सारा वीडियो देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अब दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा चैनल पे जाके सारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लेलिस्ट में आपको होटल मैनेजमेंट का ही वीडियो को मिल जाएगा। अब बात करें कि वहां हाउसकीपिंग का टिप्स कितना मिल जाता है। दोस्तों, इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको चाहे किसी डिपार्टमेंट में जाएं आप, इनिशियल लेवल पे आपको 350 या $400 बेसिक मिलता है।
टिप की बात करें तो टिप आपको मिनिमम 150 से 200 मिल जाता है, और ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। आप भी कमा सकते हैं इसमें 300-400 टिप्स भी कमा सकते हैं, और आप कमा सकते हैं 100 से 200, 300, 400, 500 तक आप कमा सकते हैं सर्विस चार्ज। ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा होटल या रिसोर्ट में गए हैं और वहां का बिजनेस कैसा है। तो अप्रोक्सीमेट चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं दोस्तों, 800 से 900 $ आप आराम से कमा सकते हैं मालदीव में, जो कि इंडियन रुपए में हो सकता है 50 से 55 हजार रुपया पर मंथ। फिर जो अगला सवाल है दोस्तों, ये लिखे हैं अदिति मिसनोमर, सर टिप कितना कमाया जा सकता है अप्रोक्सीमेटली इन ए 5-स्टार होटल। देखिए जितना भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आप लोगों से, मेरे को मैक्सिमम सैलरी और टिप के बारे में होते हैं। कोई भी ये नहीं पूछता कि सर इसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। लेकिन मेरा जितना भी देखिए आप, 2-3 हफ्ता से मैं जो Q&A बना रहा हूं दोस्तों, हर Q&A में क्वेश्चन जरूर आता है कि सर कितना कमाई होगा। दोस्तों टिप्स और कमाई से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कमाने के लिए आपको कितना स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। टिप्स अगर मैं 5-स्टार की बात करूं, आपके आंसर दे दूं, अगर आप चाहते हैं 5-स्टार में कितना टिप्स मिलता है, तो ये भी डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। मैं नहीं कह सकता, आप कमा सकते हैं 100 रुपए टिप, आप कमा सकते हैं 1000 भी टिप एक दिन में, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा सर्विस दे रहे हैं अपना गेस्ट को, कैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि गेस्ट को भाना चाहिए आपका जो बिहेवियर है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉलेज है, आपका सर्विस है, तभी जाके खुश होकर वो टिप देगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा काम करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए, आपका लैंग्वेज सुधारने के लिए, आपका स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपका नॉलेज को डेवलप करने के लिए, जो जो चीज चाहिए उसको आप ध्यान दीजिए, टिप ऑटोमेटिकली आपको आने लग जाएंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों मिस्टर राणा विश्वास का, इन्होंने लिखा है सेशल पर एक वीडियो बनाओ सर। दोस्तों मैं हर कंट्री का वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों का भी मुझे हेल्प चाहिए। आप मुझे क्वेश्चन पूछते जाइए, इसके साथ साथ आप लोग भी मुझे सहायता कीजिए इस तरह से कि आप मुझे लिख भेजिए कि आपको कौन सा कंट्री के बारे में जानना है, क्या प्रोसेस के बारे में जानना है। अगर हम बात करें एजुकेशन का, आपका स्टडी का, तो वो भी मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में हम कैसे देंगे, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का इंटरव्यू होता है, क्या बोर्ड ऑफ इंटरव्यू होता है, ये सब जानना जरूरी है दोस्तों। टिप सर्विस चार्ज आप जहां भी जाएंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी जो कंपनी देना है वो देगा ही देगा। फिर भी मैं आपका अवेयरनेस के लिए, आपको जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूं, ताकि आप सबको एक पता चले, एक हिंट मिल जाए कि आप कितने रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा वीडियो था आज के लिए, ताकि आप सब लोगों तक मैं अपना Q&A का मैसेज पहुंचा दूं। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।